हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी भोजनशाला में। आज हम बनाएंगे पालक के सेव। ये सेव खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इससे पहले के फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो पालक के सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है और इस बेसन को मैंने छलनी से छान लिया है। एक कटोरी पालक के पत्ते लिए हैं जिसको कि हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च। मसालों में हमने यहाँ पर 1 पिंच हींग ली है, 2 चम्मच तेल लिया है, 1 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। सेव को फ्राई करने के लिए हमें तेल चाहिएगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर हम हरी मिर्च को कट कर देंगे, अदरक को भी बारीक बारीक कट कर देंगे और इसे जार में हम पालक के पत्तों को भी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गिलास पानी और जार का ढक्कन बंद करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को छान लेते हैं। इस पेस्ट को छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमने जो अदरक और हरी मिर्च डाली है तो उसका कभी बड़ा बड़ा कोई पीस रह जाता है तो वो सेव बनाने में दिक्कत देता है, तो आप इसे छाने ज़रूर। ये देखिए, हमने इसे छान लिया है। अब हम बेसन में मसाला मिला देते हैं, नमक, हींग, गरम मसाला, अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे, इससे सेव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, तो इसे हम हाथों से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। तो अब जो हमने पालक का पानी बना करके रखा हुआ है वो पानी को हम थोड़ा थोड़ा सा बेसन में डालते जाएंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालेंगे हम और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और बस हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। तो देखिए, आटा हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम इसके सेव बनाएंगे। तो इस तरह के सेव बनाने की मशीन लिए हमने, जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो उसके इस तरह की जाली को फिट कर देते हैं मशीन में। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल करके उसके रोल बना करके मशीन में डाल देते हैं इस तरीके से। अब हम इसको कवर करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें सेव को फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए हमें सेव बनाना है। एक बार में जितने सेव आते हैं उतने सेव हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और सेव को एक साइड से फ्राई होने के बाद में हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, सेव एक साइड से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसका साइड चेंज कर देते हैं।
और इसे हम दूसरे साइड से भी फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए सेव हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरीके से कढ़ाई में थोड़ा सा हाथ रोक करके, ताकि तेल हमारा एक्स्ट्रा है जो कढ़ाई में ही चला जाए, और इस तरीके से करके और सेव को बाहर निकाल लेते हैं। और बाकी बचे सेव को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो मशीन को हम इस तरीके से घुमाते हुए सेव बनाएंगे। और इसे भी हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद में हम इसका साइड चेंज कर देते हैं। सेव हमारा दोनों साइड से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे सेव बनकर के तैयार हुए हैं। सेव को हल्के से ठंडे होने हो जाने के बाद में आप इस तरीके से इसे हाथों से क्रश कर दीजिए। तो अब ये सेव हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।